FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelo. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरे पास फेसबुक नहीं है, फेसबुक नहीं है मेरे पास। चले जी, तो बहरहाल जी आज आप इंतज़ार करोगे, मैं तो पहुंच चुका। हमारे थोड़े से असल में आपको पता है, कभी कभी जब गेस्ट बहुत दिनों के बाद आते हैं तो फिर रास्ता कभी कभी वो बेचारे थोड़ा भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तो इस वजह से तो बहरहाल फिर भी प्रोग्राम जो है वो हमने वक्त पे शुरू कर लिया। और खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को। आप जहाँ के भी, जिस जगह भी मौजूद हैं, जिस कोने में, जिस खित्ते में, जिस हिस्से में मौजूद हैं, यकीनन एफएम 100 पाकिस्तान आपके साथ होता है। और क्योंकि ये आपका, हमारा सबका फैमिली रेडियो स्टेशन है, और मेरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसी जानी पहचानी शख्सियात से करवाई जाए कि जो यकीनन जो है वो किसी न किसी हवाले से आपके दरमियान मौजूद हैं और आपके साथ साथ होते हैं। ज़ाहरी तौर पर नहीं, मगर बातनी तौर पर। कहते हैं कि एक इंसान अगर एक्टर है तो एक्टर टीवी पर नज़र आ रहा है, मगर वो आपके जहन में, आपके दिल में, आपके तखयल में मौजूद होता है। वो हर जगह मौजूद, आपके साथ होता है, आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में मौजूद होता है, तो इस तरह वो फैमिली मेम्बर कहलाता है। तो फ़नकार कोई भी हो, फ़न कोई भी हो, तो फ़नकार सब होते हैं। तो आज हमने बुलाया, और ये फ़नकार तो नहीं है मगर ये फ़नकार बनाते हैं, फ़नकार इनके इशारों पर नाचते हैं, फ़नकार इनके इशारों पर ज़बान खोलते हैं, फ़नकार इनके इशारों पर जो कहते बोलते हैं, तो ये और हिलते जुलते से बिल्कुल ये कट, मतलब जस्ट लाइक वही, जैसे कठपुतली वाला खेल होता है, तो डायरेक्टर वही होता है कि जो उसके इशारे पर फ़नकार सब कुछ कर रहा होता है। तो आज हमने बुलाया एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, बहुत सी कामयाब जो ड्रामा सीरियल और टेलीफिल्म लॉन्ग प्ले बहुत सारे कामयाब आपने देखे, मुख्तलिफ चैनल पर देखे, बहुत सारे देखे और देखते देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म भी बड़ी कामयाब रही, बहुत अच्छी रही। और फिल्म तो अमूमन आपको तक की बात होती नहीं, कभी कभी होती, कहते हैं अरे मान जाओ ना यार, मान जाओ ना, तो मान जाओ। तो इन्होंने कुछ ना बनवाने की कोशिश की थी अपनी फिल्म में एक बनाकर, तो इंशाल्लाह खुश आमदीद कहते हैं। बहुत खूबसूरत बात होगी आज, बड़े नफीस इंसान हैं आबिस रज़ा हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आबिस कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। तो आप खैरी से पहुंच चुके ना? बस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, आपने लोकेशन पिन भेजी तो मैं उससे चले। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आजकल क्या मसरूफियत क्या हो रही है आपकी? बस मसरूफियत वही, ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए ड्रामे बना रहे हैं। अभी एक बंदिश टू, पहले एक सीक्वल हमारा है बंदिश का, बंदिश का आजकल उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये मतलब ये क्या जरूरी हो जाता है कि एक के बाद दूसरा भी वो सीक्वल उसको लेके आगे बढ़ना जरूरी होता है क्या, ये उसकी कामयाबी को देखते हुए? यकीनन कोई रीजन तो यही होती है कि कोई पॉपुलैरिटी किसी शो को मिलती है तो उसको सीक्वल भी बना देते हैं, तो मे बी यही रीजन हो। तो जैसे इंडिया के ड्रामा बच्चे जवान हो जाते हैं चलते रहते, तो हमारे यहाँ भी नहीं, नहीं हमारे यहाँ हम कहानी को जवान करते हैं, हम लोगों को जवान नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाता है इतनी देर तक किसी भी लोग को, लोगों को संभालना। क्योंकि इंडिया के आप ड्रामे देखे वो तो सालों से चले आ रहे, बच्चे थे वो बड़े हो गए, हाँ जो जवान थे उसमें बूढ़े हो गए, जी जी मगर चल अभी तक रहा है वो आज तक चल रहा है ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे हैं कहानी है, जिंदगी की तरह कहानी है, जिंदगी जैसे कहानी उसी तरह उन्होंने रखा हुआ है कि जिंदगी को दिखाते रहे तो उसी तरह जिंदगी का हिस्सा बना। तो हमारे ऐसे क्यों नहीं होता? क्या हमारे यहाँ बच्चे जवान नहीं होते, बड़े बूढ़े नहीं होते? हमारे यहाँ उन्होंने नहीं चाहते शायद बूढ़े। अच्छा, हाँ लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, हमारा एक अलग फॉर्मेट है पाकिस्तानी, एक अलग स्टाइल है ड्रामा मेकिंग का, स्टोरी टेलिंग का, तो ये डिफरेंट नरेटिव आर्ट है। अब इसमें जिस तरह इंडिया की अपनी मार्केट है, जैसे इंडिया फिल्में बनाता है वो हमारे लिए, हमारे लिए हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमें उनका कल्चर देखना अच्छा लगता है, लेकिन ये कि हमारा कल्चर उनका कल्चर अलग है, तो उनका माइंडसेट अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है,
बड़ा चीजें होंगी यकीनन मार्केटिंग का सारा खेल है, इतना मुझे तो नहीं आईडिया। खेल तो अलग है, खेल तो अलग है, खेल तो बिल्कुल वो ड्रामेबाज आदमी ड्रामे बनाते हैं ये बात ये अच्छी बात आपने खुद ही करार कर। हाँ जी हम ड्रामेबाज हैं, ड्रामेबाज हैं। वो कहते हैं भाई आप बहुत, अब यार उससे बच के रहिए भाई, बड़ा ड्रामेबाज है। हाँ जी मैं वो मतलब वो जैसे आमतौर पे बड़ी गुफ्तगु आपस में चल रही थी, यार बच के रहना उससे भाई, बड़ा ड्रामेबाज है भाई, वो घुमा देगा, खड़े खड़े घुमा देगा तुझे। ड्रामेबाज है। खैर बार अच्छा चले, मैं गुफ्तगु हम अपनी बढ़ाते हैं, ये तो एक सिलसिला था। तो ये कब का सिलसिला, ये आबिस रजा जो है ये इस फील्ड में क्यों आए, जबकि मेरे ख्याल में अगर खानदानी तौर पर देखा जाए तो इस फील्ड में कोई मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक है नहीं इससे। बिल्कुल भी नहीं, खानदानी तौर पे तो कोई देखे, वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो जिस वक्त मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो बैक इन 1997 उस वक्त तो ये इतना मतलब पॉपुलर था, उस वक्त पॉपुलर भी नहीं था, और उस वक्त हम एक कंफ्यूज सी जो स्टूडेंट होते थे ना, हम बीइंग अ कराची आई टी, अगर मैं कहूँ आपसे, तो हम बड़े कंफ्यूज होते थे कि हम करेंगे क्या। चलो पढ़ तो लिया, अब हमें करना क्या, अब क्या करना, पढ़ नहीं पढ़ लिया, अब हाँ। अब इसको काम क्या करना है। तो मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। अच्छा, उसमें भी अनफॉर्चुनेट रहा मैं कि जी वो कनाडा का जो वीज़ा अप्लाई किया तो 99 में आके कहीं वो पाकिस्तान से उन्होंने वो लॉटरी ख़त्म कर दी। तो उसके बाद फिर और मैं परेशान हो गया, फिर मैं वेबसाइट बनाने लग गया। वेबसाइट बनाते बनाते मैं आर्ट्स काउंसिल पहुंच गया। आर्ट्स काउंसिल जब मैं पहुंचा तो वहाँ मैंने उनकी आर्ट्स काउंसिल बनाने, आर्ट्स काउंसिल का ड्रामा कमेटी का कासिम जलाली साहब होते थे, उनसे मुलाकात हुई। तो वो बनाने के लिए जब मैं उनसे गया, उन्होंने कहा जी बना दें। तो मैंने कहा बना तो दें, पैसे वैसे तो ये तो वेलफेयर है सारा, ये तो एनजीओ है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं वो उस जमाने में ड्रामा फेस्टिवल चल रहा था कारवान, कारवान से ही जब ये। तो उसमें मैंने ऐसी ख्वाहिश जाहिर कर दी, मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरे साथ जो थे आसिफ भाई थे एक, उनसे मैंने ख्वाहिश जाहिर की, उन्होंने कहा ठीक है। तो उसमें मैंने दो चार ड्रामे किए, उसके बाद फिर टीवी की तरफ गया, तो फिर वहाँ जाके मैं ख्वार हुआ। तो ड्रामा जो आपने किया वो ड्रामा एक्टिंग की या ड्रामा मतलब डायरेक्ट की या लिखी? मैंने नहीं, ड्रामे में स्टेज के ऊपर थिएटर पे एक्ट किया, एक्ट किया। उसके बाद फिर मुझे टीवी के लिए उन्होंने कहा कि यार टीवी पे भी कर दो स्किट का शो। तो मैंने कोई एक पूरा सुबह से लेकर रात तक बैठ के, जो आखिर में एक डायलॉग था पप्पा छोकरी का, ये मुझे बोलना था। मैंने कहा ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, सुबह से रात हो गई, रात के भी 2:30 बज गए। तो उस वक्त मेरी बारी आई, पप्पा ने ये नहीं बताया कि छोकरी का है। हाँ वो पता नहीं कहा है, फिर मैंने कहा पप्पा छोकरी का है, ये मुझे बोलना था। अच्छा, तो मैंने कहा ये क्या काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। सही बात है। फिर मुझे क्योंकि इंटरेस्ट था, शायद अल्लाह की तरफ से होता है, तो मैंने फिर उसमें मैंने सोचा कि इस काम की बैकबोन क्या है। तो वो एडिटिंग साइड पे निकली। तो फिर मैंने कहा यार मैं क्योंकि कंप्यूटर से मेरा सारा बैकग्राउंड है तो मेरे लिए शायद आसान हो। और उस वक्त नया नया एनएलई आया था, नॉन लीनियर एडिटिंग कहती है, कहलाती है। तो उसमें फिर जब मैं गया तो वहाँ में जल्दी मुझे समझ में आ गया, तो फिर मैं एडिटर बन गया। एडिटर बनना एक्सक्यूज मी, जब एडिटर बना तो उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे डायरेक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर बनना है, तो मैंने कहा यार डायरेक्टर में दूसरे डायरेक्टर्स आते हैं, उनके भी गलत चीज़ों को माइनस करता हूँ, मैं खुद गलती करके अपनी निकाल दूंगा। सही बात है, ये तो जब एडिटिंग में तो यही है ना, एग्जैक्टली माइनस कर रहा, माइनस एडिट करते ना माइनस। तो मैंने कहा यार मैं भी गलती करूंगा, सही कर दूंगा, तो मैं अपने लिए कर लूंगा। सही बात। तो इस तरह डायरेक्टर बन गया, डायरेक्टर बना तो एक के बाद दूसरी अल्लाह ने। तो पहला क्या था आपने? पहला मैंने एक सिटकॉम चैनल के लिए किया। नहीं, चैनल के लिए नहीं, पहले प्रोडक्शन हाउसेस बनाते थे, बेचते थे प्राइवेट। तो वो एक ड्रामा था अब क्या होगा, वो मैंने किया था। उसमें बरकत, नोमी, आरिफ सिद्दीकी, नोमान खान, ये लोग थे उसके अंदर। नसीम इरफानी उसके प्रोड्यूसर होते थे, उन्हीं के पास मैं एडिटर था। अच्छा, उन्हीं से मैंने कहा था कि मुझे डायरेक्शन करना। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्शन कर लो, पैसे नहीं दूंगा मैं। मैंने कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए, जाहिर वो अपने पैसे लगा रहे थे। सही बात है। तो मैंने कहा मुझे डायरेक्शन चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। तो वो उसके बाद एक बनाया, फिर दूसरा वो देखा, तो दूसरा फिर वो हम टीवी पे एक चला, फिर दूसरा किसी चैनल पे चला, जियो पे चला। फिर इस तरह करके मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आज भी किसी घर में अगर इस तरह की बात है ना, तो मैं इसको ये कहूंगा कि ये इल्हामी काम है, इसके ऊपर ना सख्ती नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर आप तरबियत के ऊपर जोर दें अपने घर वालों की को, मैं कहूँगा जो बुजुर्ग हैं घर के, बजाय इसके कि पाबंदी लगा दें, तरबियत को ऐसा कर दें कि आप किसी भी जगह कोई जाए ना तो अपने आप को संभालना उसको आए।
तो आप वरना दुनिया में कोई भी आप घर से बाहर निकलते हैं आप हर जगह वो है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री तो बहुत फिर भी बेहतर इंडस्ट्री है क्योंकि इसके अंदर काम का प्रेशर इतना होता है। तो मैं मशवरा मेरा है, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है घर वालों से कि किसी को अगर क्रिएटिव अर्ज हो रही है किसी को तो उसके ऊपर पाबंदियां ना लगाएं, उनको मौका दें, उनका ख्याल रखें, उनकी परवरिश का हिस्सा है आपके कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें और उनको निकलने दें, इस काम को करें। क्योंकि मेरे घर में जब इस तरह की सिचुएशन हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि हमारे घर में हमें इस तरह कोई सख्ती नहीं थी, हमें बस ये कहा गया कि बस देखना जो भी है तो एहतियात करना, ये हदूद है, इस हदूद को पार नहीं करना। हमने कहा जी बिल्कुल ऐसा करेंगे, तो बस आज तक तो सरवाइव कर रहे हैं, निकल गए बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब पहला आपने किया उसके बाद दूसरा किया तीसरा किया, उसके बाद फिर मकन किसी चैनल के साथ आपका सिलसिला ये रहा? फिर मैं जब जी मेरा दूसरा एक सिटकॉम था तो वो जब चल रहा था तो उस वक्त मुझे जियो से ही मेरी वो बात हुई, तो जियो ने मुझे कहा कि आप हमारे पास आ जाएं। जियो में मैंने कोई 6 साल काम किया 2004 से लेके 2010 तक, और उसके बाद फिर मैं MD प्रोडक्शन चला गया। MD प्रोडक्शन के बाद फिर वहाँ से मैं बिग बैंग चला गया, बिग बैंग के बाद अब मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। अब फ्रीलांस मैं सबके लिए काम करता हूं। अब सबके लिए, सबके लिए आ जाओ भाई, जिसको जो कराना, जिसको जो कराना। और अब तो माशाल्लाह, अब तो ये कि वक्त के साथ साथ अब तो फिर एक चीज़ आपका नाम भी माशाल्लाह ताला ने आपको इज्जत भी दे दी, अल्लाह करे, आपको अल्लाह ने मुकाम भी बना दिया माशाल्लाह, अल्लाह करे। अच्छा ये मैं डायरेक्शन है क्या, एक्टिंग और मतलब इस फील्ड में डायरेक्शन क्या इजी एक ऑप्शन है या बहुत मुश्किल है, क्या इसकी या डायरेक्शन के लिए क्या ज़रूरी क्या होता है, डायरेक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, कि एक्चुअल होना ज़रूरी है, समझ में ज़रूरी क्या ज़रूरी होता है? देखें मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं कोई ऑस्कर वॉस्कर भी नहीं, लेकिन मैं तजर्बे से मैं आपको बताऊँ कि मैं जो कर रहा होता हूँ मैं अपनी अपनी जो प्रैक्टिस है वो शेयर कर देता हूँ कि जी कहानी जब आप कोई सुनाना शुरू करते हैं ना, इट्स लाइक आपको कोई अपना ही किस्सा भी सुना रहे होते हैं तो वो अब आपके ऊपर होता है कि एक वाक्य आपके साथ पेश आएगा, एक वाक्य मेरे साथ पेश आएगा, या एक ही वाक्य हम दोनों के साथ पेश आएगा। दो दोस्त कहीं जा रहे हैं अगर तो दोनों के साथ एक ही वाक्य पेश आ गया, वो अपने मोहल्ले में सुना रहा है, मैं अपने मोहल्ले में सुना रहा हूँ, तो वही वाक्य वो अपने अंदाज से सुना रहा है, मैं अपने अंदाज से, दोनों का अंदाज अलग है, अंदाज अलग है। तो अब मेरा अंदाज क्या है कि मैंने उस वाक्य को कितनी गहराई से देखा था तो उतने ही गहराई से मैं सुना रहा हूँ, कितनी इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे सब चीज़ बता देनी चाहिए कि जिसमें इंटरेस्ट बाकी रहे मेरी बात सुनने का, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें, ये तो आपकी जो मेन डायरेक्शन की जो स्टोरी टेलिंग की जो मेन कोर जो आपका जिसके ऊपर बेस करती है वो स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी टेलिंग में ये चीज़ है, फिर जब एग्जीक्यूट करने पर आते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, ऑब्जर्वेशन प्लस आपका स्टोरी टेलिंग, आपके ये दो चीज़ों का बड़ा इसके अंदर अमल दखल होता है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्टिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपने रियल लाइफ कैरेक्टर्स को देखा होता है, रियल लाइफ इमोशंस के साथ आपने इंटरेक्ट किया हुआ होता है, तो वो इंटरेक्शन आपको बड़ा काम आता है, बस उसको रेप्लिकेट करना होता है एक्टर ने कि जी ये सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो वो उधर लेके जाना और फिर इसके हिसाब से फिर वो चीज़ें डायरेक्शन में मेन जो मुझे लगता है जो चीज़ है स्टोरी टेलिंग के लिए वो एक ऑब्जर्वेशन का बड़ा काम है। क्योंकि सुना ये कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि यार अगर कोई डायरेक्टर है तो वो उसका एक्टर होना बड़ा ज़रूरी है, जब तक वो एक्टर नहीं होगा जब तक वो अच्छा डायरेक्टर बन नहीं सकता, या जब तक कि वो कहानी को मतलब किसी समझबूझ उसको नहीं होगी वो क्या करेगा आगे, मतलब आगे एग्जीक्यूट करेगा कैसे, जब तक पता ही नहीं होगा उसको कि मुझे करना क्या। अगला कहता है मैं यूँ करूँगा, वो कहता है नहीं यूँ करना, तो वो कहकर करके देखा तो उसको होता आता ही नहीं, क्या करेगा। अच्छा बात क्या होती है कि मुझे लगता है डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर का मतलब होता है हिदायत देने वाला, हिदायत देने वाला बिल्कुल, जो आपका टीचर होता है ना वो असल में डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बिल्कुल डायरेक्टर, एक्चुअली डायरेक्टर का टीचर होना जरूरी है। अब आपको मैं आपकी ही बात को थोड़ा सा मैं बता उसको करेक्ट करते हुए, पायलट का जो टीचर होता है वो जहाज क्यों नहीं उड़ाता? उड़ा चुका तो होता है ना? नहीं नहीं जरूरी नहीं। अच्छा फिजिक्स का जो टीचर है वो साइंसदान क्यों नहीं होता, उसके स्टूडेंट साइंसदान क्यों बन जाते? इट्स नॉट अबाउट कि उसका खुद का क्या है, वो मैं एक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे एक्टिंग का पता है, मैं एक्ट कर नहीं सकता ना, लेकिन जो एक्टिंग करना क्योंकि मेरी ख्वाहिश नहीं है इसलिए मैं नहीं करता, ठीक है सही है। जिसकी ख्वाहिश एक्टिंग है उसको चाहिए कि वो पूरा एक्टर बन के आए, और वो इतना अकलमंद होना चाहिए कि उसको जब डायरेक्टर एक चीज दे रहा है, अच्छा डायरेक्टर का अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है, अच्छा वो जरूरी है,
उसके अंदर टीचिंग स्किल बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ख्याल को कन्वे कैसे करते हैं, आप उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा मैटर करता है कि मैं अगर आपसे कहूँ कोई चीज़ मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए और मैं आपको इस तरह करके यूं ही कहूँ कि मुझे इस तरह का कुछ दें कि जिसमें बस मुझे मज़ा आ जाए, तो अब तो फिर मेरे मज़े के लिए रात तक आप बैठे रहें, मुझे नहीं आ रहा तो लेकिन मैं अगर क्लियर हूँ ना कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए तो मैं आपको पर्टिकुलर आऊँगा कि मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, आप मुझे करके दिखाएं। वो बात ये होती है कि मैं अपना कन्वे किस तरह कर सकता हूँ, लेकिन एक्टर होना ज़रूरी हो ऐसा नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर का एक्टर होना कतई जरूरी नहीं है, बल्कि उसका एक्टर होना हराम है, मैं यही कहता हूँ। क्योंकि वो फिर दूसरे एक्टर का काम खा जाएगा, उसको तो आपने फतवा दे दिया भाई। फतवा मैंने इसलिए दे दिया कि वो दूसरे एक्टर जो है इनसिक्योर हो जाएंगे, वो कहेंगे यार मैं ये तो खुद करना चाह रहे हैं, शायद वो जेलेसी एक्टर आ जाएगा प्रोफेशनल। ऐसा हो तो रहा है वैसे आजकल, हो भी रहा है कुछ, ऐसा कर भी रहे हैं, ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मैं एक मजाक की बात होना लाइटर। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। बिल्कुल आपने हमारे साथ रहना, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। 5 बजे तक हमारे साथ आबिस मौजूद है, इंशाल्लाह आज कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, बड़ी काम की चीज़ें, एक्टर कौन कौन से एक्टरों की इन्होंने जो है वो लॉन्च किया, कौन से एक्टर इनके हाथों से निकल के गए, कौन से सामने आए, बड़े बड़े मसाइल होते हैं डायरेक्टर के साथ, एक्टर के साथ कभी कभी बड़े फड्डे भी हो जाते हैं, किलकली भी हो जाती हैं, बड़े वाक्यात होते हैं ऐसे। तो ज़रा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, फिर आपने रहना हमारे साथ। On the way for commercial break. Stay tuned. जी जनाब, मुलाकात है जी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, और हमारे साथ मौजूद हैं आबिस रजा हमारे साथ, और आबिस रजा से बिल्कुल बात अभी हो रही है क्योंकि आबिस डायरेक्टर हैं। इब्तदा में दो छोटा सा काम किया लाजमी तो शुरू का, एक सही फील्ड पर या एक सही डगर पर जाने के लिए इंसान बहुत सारे कट लगाता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फिर उसके बाद जब उसे रास्ता सीधा नजर आ जाता है फिर उसे दौड़ लगा देता है। तो अभी इस वक्त ये अपनी दौड़ में है क्योंकि अब इनको अपने एक रास्ता, सही रास्ता, एक सही जो मंजिल के तयन कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करें, वही करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह, और इसी पर चलते हुए जब तक कि आप अपना कोई टारगेट कहते हैं, कोई अपने टारगेट का कोई टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे या अपना टारगेट नहीं बनाएंगे जब तक, तो जब तक तो रास्ते का तयन हो ही नहीं सकता ना। अब मैं घर से निकल पड़ूँ और मैं कहूँ कि यार मुझे ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो कैसे जाएंगे? जब तक एक रास्ता नहीं बना लेंगे, मंजिल का तयन नहीं कर लेंगे, हम कैसे उससे के बाद पहुँचते? तो एक बड़ा ज़रूरी होता है ये। आपने एक्टर बना तो एक्टर आप सोच लें कि एक्टर बनना, अब उसमें नशे पर फराज आएंगे, ठीक है भुगतेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। डायरेक्टर बनना है तो ठीक है वो बनना है, राइटर बनना है तो जो, तो बात वही है कि कोई भी एक चीज़ करने के लिए आपको जहनी तौर पर एक जगह जो है वो रुकना बहुत ज़रूरी है, मंजिल का तयन बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद फिर। खैर बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं आबिस रजा, तो आबिस से बात हो रही है हमारी। अच्छा आबिस, ये मैं तो एक डायरेक्शन चल रही, वैसे ऐसे शुरू में जब आपने काम शुरू किया अपना और जब आप आए तो उस वक्त यकीनन बहुत सारे एक्टर भी नए नए थे और बहुत सारे, क्योंकि फील्ड इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, प्रोडक्शन हाउसेज से ड्रामे बन रहे थे, अब तो बहुत सारे एक्टर जो उस वक्त की इब्तदा के थे, अब तो अपने आप को एकदम बड़े सीनियर एक्टर हैं भाई, 20 साल हो गए काम करते मुझे यार, अब तो वो तो ऐसे उस वक्त जब काम कर रहे थे तो ऐसे डायरेक्शन के दौरान आपको कुछ मसाइल भी पैदा होते होंगे कुछ लोगों से, कुछ कैसे कि यार कभी कभी कुछ, क्योंकि ये तो होते आज भी होते। अच्छा मैं थोड़ा सा इस मामले में ना, मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मेरा ध्यान मसाइल पर नहीं होता, मेरा मसाइल होते तो हैं, होते होंगे मसले तो होते ही, उसको हल किया जाए तो मैं उसके हल की तरफ होता है, और मैं थोड़ा सा सूफी टाइप का आदमी हूँ, मोमेंट में रहता हूँ, तो जब कुछ होता है तो उसी वक्त मेरा दिमाग चलता है, उसको सही करते हैं, उसको फिर आगे बढ़ जाते हैं, और मैं याद भी नहीं रखता, तो मुझे याद भी नहीं है कि कौन से मसाइल हुए होंगे, जाहिर है सारी जिंदगी मसले।
तो ऐसा मुझे कुछ मसाइल यकीनन हुए होंगे, लेकिन मेरा ध्यान कभी मसले पे नहीं रहता, मेरा ध्यान अपने टारगेट के ऊपर रहता है कि मैंने कहाँ जाना है, मेरा क्या मकसद है, मुझे ये मेरा ये सीन है, इसको ऐसा होना है। अब वो होते हुए अगर किसी को मसला हो रहा होता है तो मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस शायद अल्लाह ने ताकत दी हुई है, इतनी पावर कि मैं कन्विंसिंग पावर मुझे मेरे पास दी हुई है तो मैं कन्विंस कर लेता हूँ लोगों को। तो एक्चुअली जब तक एक एक्टर कन्विंस नहीं होता, या कोई आदमी जिससे भी आपने जो भी काम कराना है वो अगर कन्विंस नहीं है, वो काम उससे नहीं होगा। चाहे वो डायरेक्टर हो, किसी स्क्रिप्ट से कन्विंस नहीं होगा, उससे वो ड्रामा अच्छा नहीं बनेगा या अच्छी वो फिल्म नहीं बनेगी। इसी तरह आप कन्विंस नहीं है कि यहाँ आके आप बैठ के किसी दिन शो करें, तो आपसे उस दिन मजे का शो ही नहीं होगा। वो आपका कन्विंस, आपका कन्विंस खुद हो जाना पहले वो जरूरी है। जब आप कन्विंस हो जाते हैं ना, तो फिर आपको बुखार है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी हो, आप यहाँ पहुंचे हुए होते हैं। ये इसलिए होता है कि आप फोकस्ड हैं, तो और जब फोकस होते हैं तो वो मसलों के लिए मैं आपसे पूछूंगा, आपको याद भी नहीं होगा कि क्या क्या मसले हुए। जब आप इतना फोकस हो जाते हैं तो वो घोड़े की तरह जिंदगी गुजारना होता है कि साइड को ऐसे देख बंद करो रास्ता और दौड़ लगा दो, और बस सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखो, देखो साइड में तो पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, होने दो। अच्छा, ये जब आपको अगर प्रोजेक्ट मिलते हैं तो सबसे पहले आपको तो लाजमी वो स्क्रिप्ट मिलता होगा, तो स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, पहले उसको देखते हैं, क्या उसको आप कैसे उसका बनाते हैं उसकी भाई कहानी के, अब इस ये भाई ये प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं, देखिए अब उसको क्या कैसे आप उसमें इस तरह होता है कि जी डिफरेंट कहानियाँ होती हैं जो जाहिर है जिधर चलना है चैनल के ऊपर, चैनल की तरफ से कुछ कहानियाँ अप्रूव हुई भी होती हैं, और अप्रूव कराने का एक अप्रूवल का बहुत बड़ा प्रोसेस है। अच्छा। वो प्रोसेस से गुजार के एक प्रोडक्शन हाउस निकलता है गुजार के वक्त। तो मेरे पास इस तरह वो अप्रूव्ड कहानियाँ आती हैं। अब एस्थेटिकली जो भी मुझे अच्छी लग रही होती है, या कोई बेहतर ऑप्शन उसमें से जो भी मुझे बेस्ट, जो मुझे लगता है कि मुझे जो जिससे मैं कन्विंस हो सकता हूँ, तो वो मैं कहानी पिक कर लेता हूँ। अच्छा। उस कहानी के ऊपर पिक करने के बाद फिर उसके स्क्रिप्ट को देखता हूँ कि वो स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर फिर किरदारों को देखता हूँ, फिर किरदारों की कहानियों को देखता हूँ। तो वो ये एक तरीक़ाकार है, और बड़ा लिमिटेड तरीक़ेकार है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है कहानियों की पाकिस्तान में टेलीविज़न के ऊपर, क्योंकि जाहिर है मार्केटिंग डोमिनेट करती है क्रिएटिव सोसाइटी को, तो इसलिए हालांकि इस पर मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन चलें अब ऐसे ही सही तो ऐसे ही सही। मतलब आप लगा कहानी है, मतलब हमारे यहाँ तो हमारे मुआशरे में बेशुमार कहानी है, लेकिन मार्केटिंग मैंने आपसे कहा ना, देखें हमारे मार्केटिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो मार्केटिंग तो मतलब अगर देखा जाए आमतौर पर देखा जाए तो अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम अगर बच्चों के हवाले से हमारे कोई प्रोग्राम नहीं बनते जी, पता नहीं क्यों मार्केटिंग उससे क्या उनके अपने बच्चे नहीं है पता नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे पीसी में का, कोई मुझे नाम याद नहीं रहते लोगों के, लेकिन वो बड़ा अच्छा एक बंदा था, मार्केटिंग का था कोई, तो उसने आके एक बड़ी बात की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात तो अच्छी, लेकिन मेरे काम की है नहीं, मैं आपके तवसत से मैं कह देता हूँ, अच्छी बात शेयर कह देता हूँ, वो थोड़ी सी ऑफेंसिव भी हो सकती है, बट उसने कहा कि सहरा में पानी बेचना ना कोई आर्ट नहीं है, क्योंकि वहां पानी की जरूरत है, बिक जाएगा वहां तो बिकेगा सहरा, उसको पानी चाहिए। आर्ट यह है कि सहरा में खड़े होके सहरा की मिट्टी को उठा के बेच दो, कि जिसकी डिमांड भी ना हो, जिसकी जरूरत भी ना हो, जो किसी काम की भी ना हो, जिससे वो भागना चाह रहा है उसी चीज को उठा के उसको बेच दो। ये मैंने उस बंदे से सुना था, बड़े काम की चीज तो ये उसने बात की। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ सहरा में पानी बेच रहे हैं। हाँ, सही बात है, सही, हमारे यहाँ सहरा में पानी बेच रहे हैं। अब जब सहरा में पानी बेच रहे हैं तो उनको हम भी फिर पानी बना के देते रहते हैं भाई। नहीं, वो आपका तो उसमें है ही नहीं, हमारा कुछ है नहीं ना, हम अपने आइडियाज को। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, ये इनकेपेबिलिटी है उनकी, जिसको मैं कहता हूँ कि यार हमारे यहाँ नया कंटेंट नहीं बन रहा, अगर बन भी रहा है तो उसको सही से बेचा नहीं जाता होगा, उसके अंदर शायद कोई इतनी स्पार्क पैदा नहीं हो रहा है, यार लोगों के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ता है, और मार्केटिंग का काम होता है कि वो डेवलप करे, डिपार्टमेंट ऐसे उनका जॉब है कि वो मार्केटिंग ऐसे मार्केट करे कि वो, बजाय इसके कि हमें ये क्रिएटिव साइट को आके वो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि यार आप इसको इस तरह करेंगे ना तो ये आसानी से इसके टीआरपी, नहीं नहीं, आसानी से टीआरपी आ चुकी है उस चीज़ की, इसलिए आप अपने एक्सपीरियंस को
पुरानी चीज को दोबारा हमसे बनवा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक दफा आ गई थी। सही बात है वो। तो यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग न्यू, यू आर नॉट लेटिंग अस मेकिंग समथिंग न्यू, यू वांट अस टू मेक द थिंग विच इज इजी टू सेल फॉर यू। तो लेट इट बी, लिव योर लाइफ, माशाल्लाह, स्टे हैप्पी, वी आर हियर टू सर्वाइव, एंड परेशान होने के लिए हम हैं। सही। अच्छा, ये तो अब ये तो ये देखा कि लकीर के फकीर, तुम्हारे सिलसिला ये चला, लकीर के फकीर ये रहते हैं। आप देखें, जो भी बड़ी जो भी अकलमंद कौमें हैं ना, वो लकीर की फकीर नहीं है, ये हम ही हैं माशाल्लाह। और हम आपको हमारी रैंकिंग बता दी दुनिया में हम कहाँ हैं। हमारी दुनिया में रैंकिंग कोई एक तबका नहीं है, पूरी कौम होती है ना, कौम की डिफरेंट कमोडिटीज होती हैं, वो हर मिल के एक कोई अच्छा या बुरा नतीजा निकालते। तो हमने एज सच, हम लोग बड़ा आसान कंज्यूमर कौम है, हम इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें, हमें बस बाजार से हर चीज़ ला दो, हमारे यहाँ सबसे अच्छा फूड पैंडा चलेगा, हमारे यहाँ सबसे अच्छा सही बात है चलेगा, हमारे यहाँ पैदल नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ घर के बाहर जब तक गाड़ी हमारे जहाँ बाइक खड़ी मिलेगी ना जगह, हम उधर ही रोक के अपना काम कर लेंगे। हम तो माशाल्लाह खैरने को कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपकी बाइक खड़ी करने से किसी की माँ मर सकती है। आप दूसरे के बारे में सोचना, जब आप इतने सेल्फिश हैं कि आपकी सेल्फिशनेस की वजह से, तो आप सेल्फिश कौम तो हमेशा ही बर्बाद हुई है। तो आपको जब गाड़ी खड़ी करने की तमीज़ नहीं है, गाड़ी सड़क पे चलाने की तमीज़ नहीं है, जब से गाय भैंसों जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे, तो गाय भैंसों की तरह हमें दुनिया ट्रीट भी करती है। तो बात सब कुछ एक चीज नहीं है, मैं शिकायत भी अगर रहा हूं, तो मैं बड़ा दुखी हूं इस मामले। नहीं नहीं, ये बड़ी सही बात, हकीकत ये है, हकीकत ये है, मतलब हमें वो पता कि हमें सेल्फिश अप्रोच जो हमें ग्रो नहीं करना, ये हकीकत है। मुझे अपने बारे में सोचते रहना है, उन्हें अपने बारे में, जब वो अपने बारे में सोचते हैं तो कोई किसी के पास पावर ज्यादा है, तो अपने बारे में जब सोचता है तो हम यूज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है, हम बेबस हो जाते हैं यार, हमारे पास पावर ही नहीं है। तो आप या तो फिर मैं खड़ा हूँ कि यार, फिर पूरे बालों पर के साथ उठना जिसको कहते हैं, सही बात तो है। फिर मैं उठूं तो फिर हाथापाई और मारा मारिया, फिर उसके बाद आपको आइसोलेट कर देते हैं। दिस इज नॉट द राइट, मगर वो चीजें फिर ये कि वो हर आदमी वो चीज चाहता नहीं कि वो ऐसा करे, वो सोचता है कि एग्रेसिव कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। एग्रेसिवली अगर कोई चीज़ हो सकती है ना, तो आपका पैशन है, आप अपने पैशन को एग्रेसिवली फॉलो करें और होपफुल लाइफ गुजारें। जैसे मैं आज भी होपफुल हूँ इंस्पाइट ऑफ ये सारी, मैं ये जो मैं देख रहा होता हूँ, ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन, मैंने आपसे पहले कहा कि हिदायतकार का काम है ऑब्जर्वेशन का, वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन में एक बाइक खड़ी करना भी है, मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर उस बाइक खड़ी करने के नतायज भी हैं, नतायज भी कि यार इस तरह, क्योंकि फिर मुझे खुद अपने आप को संभालना है कि मैं भी तो गाड़ी खड़ी करता हूँ। जब मैं गाड़ी खड़ी कर रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार, मेरे दिमाग में ये क्यों ख्याल आ रहा है और किसी के दिमाग में क्यों नहीं आता कि यार मैं यहाँ गाड़ी ऐसे खड़ी ना करूं कि यार किसी को कुछ जाना होगा तो उसको कोई अर्जेंसी हो जाएगी तो मेरी वजह से वो होगा, तो फिर अल्लाह मुझे कयामत के दिन क्या कहेगा। तो मैं कयामत के बारे में सोचता रहता हूँ, दूसरे क्यों नहीं सोचते, क्या वो मुसलमान नहीं है या मैं कोई किस्म का और दूसरा मुसलमान। सही बात है। तो जब अल्लाह ने कयामत की खबर क्यों दी है कि मैं हिसाब किताब करूंगा रोजाना 5-10 दफा कम अज कम हम वो पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कि जी मुझे मेरी साबित कदम रख अपने मेरी गुलामी तेरी गुलामी करने में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कहते हैं, तो मेरे अंदर रहमानियत रहीमियत ही नहीं है, मैं सोचते ही नहीं। मालिक यौमिद्दीन हम 20 दफा बोलते हैं दिन में कम अज कम, लेकिन मालिक यौमिद्दीन क्या, सही बात, वो यही है ना कि भाई तूने गलत बाइक खड़ी की थी, तूने गलत गाड़ी खड़ी की थी, हिसाब दे। तो इंसान से अल्लाह तो इसीलिए कहेगा ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दूसरी, तुमसे खाली मोहब्बत नहीं करता अल्लाह, सारी मखलूक से मोहब्बत। दिस इज द पॉइंट कि मैं इस तरह सोचता हूँ कि यार इतनी सी बात है, 20 दफा पढ़ के भी अगर फायदा नहीं हो रहा तो बड़ी मेहरबानी आपकी, फिर जाए जन्नत में। अच्छा, जन्नत में भी जाना है और मरना भी नहीं है, ये तो सिस्टम, ये तो डर भी लगा हुआ है कि मर के जाना पड़ता है, तो फिर यार ये कैसी बात, ये भी बड़ा मसला हमारे साथ, ये तो ये भी मसला, सही बात है। अच्छा, उसी जब आपने बहुत सारे कुछ ऐसे फनकार भी किए, जब शुरू में आपने काम शुरू किया माशाल्लाह और सारी प्रोडक्शन बना रहे थे, तो नए लोगों को कैसे चांस देते थे, नए लोग, क्योंकि नए तो आज भी नए उस वक्त भी थे। नहीं नहीं, नए तो हर दौर में आते रहे, जाहिर नए जो लोग आते हैं, मगर कुछ अच्छे नए मिल जाते हैं, कुछ बड़े तपे हुए नए मिलते हैं, ये नहीं होता नए में, ये होता है ना, देखें पुराने लोगों को जाहिर काम करते करते एक्सपीरियंस तो हो जाता है, नए लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता,
उधर क्या होता है कि हम अपना एक्सपीरियंस जो हमने दूसरे सीनियर एक्टर्स के साथ उनको काम करते देख देख के जो हमारे पास एक्सपीरियंस आया है वो हम आगे शेयर कर देते हैं, वो एक इंस्टीट्यूट की शक्ल बन जाती है। तो वो एक इकोसिस्टम, एक चेन रिएक्शन है। तो उनकी कुछ चीज़ें, कुछ उनकी उनके जितने सीनियर एक्टर के साथ मैंने काम किया होगा वो मैं जो जूनियर आएगा मैं उसको वो टेक्निक बता दूंगा, तो ऐसे करके वो दूसरा बन जाता है। तो नया तो हर आदमी आता है। कास्ट करने का जो सिस्टम होता है, कास्टिंग भी एक जो सिस्टम है, जो चैनल बड़ा डोमिनेट करता है उनको, वही मैंने आपको जब बताया कि आसानी से जो बिक जाए जो मार्केटिंग को बेचना। सुना कास्टिंग में भी बड़ी पर्ची चल रही होती है, सिवाय मेन के अलावा भी ये ज्यादती है। पर्चियां कोई नहीं चल रही होती, ये गलत है, ये इल्जाम है इस इंडस्ट्री के ऊपर। मेरे सामने मुझे तो आज तक कोई पर्ची नहीं है कि आप इसको कास्ट करें, मुझे कभी नहीं आया। फोन तो आया होगा ना? नहीं ना, फोन कोई ऐसा नहीं आया मेरे पास। सिर्फ ये आता है कि हमें आप इस तरह के लोग लें, ये लें ये लें, और काम जाहिर है देखें पर्ची ले लूंगा ना मैं, पर्ची आपको एक दफा काम करवा देगी, वो ड्रामा खराब करके चली जाएगी, तो मैं क्यों चाहूंगा मेरा ड्रामा खराब हो। अब वो तो लाजमी उससे सिर्फ एक बंदे का काम नहीं, उससे तो सब कोलैबोरेटिव आर्ट है ना, सब एक दूसरे के, मैं एक्शन के साथ रिएक्शन है। आपका एक्शन खराब करने के लिए मैं किसी ऐसे आदमी को क्यों पर्ची के लिए हायर कर लूंगा कि जो आपका अगले बड़े अच्छे एक्टर का रिएक्शन खराब कर दे। सही बात है। चले एक छोटी ब्रेक लेते हैं जी, और इस ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं क्योंकि चार बजने वाले हैं, और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला 5 बजे तक मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान आबिस रजा, जो फिल्म और टीवी के डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, और इसी वाले से कुछ बात भी हो रही है। चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। On the way for commercial break. Stay tuned. You're listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Commercial break. Stay tuned. You're listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial.
जी जनाब, ये थी ब्रेक, और ब्रेक के बाद खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, और इंशाल्लाह आमिर इकबाल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, प्यारा से भाई ज्वाइन किए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आमिर, आप ठीक हैं? खैर खैरियत से, ठीक ठाक हैं आप? सैटरडे को हमें देखते हैं, और एवरी सैटरडे और रात को तो होते ही हमारे साथ, दिन में भी होते हैं माशाल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिस रज़ा मौजूद हैं। अच्छा आबिस, ये तो टी वी की बात चली रही, टी वी के वाले से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ उस वक्त कोई नए आपने चेहरे इंट्रोड्यूस कराए थे जो आज माशाल्लाह बड़े परवान चढ़ गए हो, जिनको आप कहते हो कि यार ये देखो ये मेरे हाथों से मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया है, मुतारिफ़ कराया है, या इनको पहला मौका दिया था? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी को मैंने पहला मौका दिया। लोग काम कर ही रहे थे, करते करते या कभी आता है कि छोटा मोटा काम कर रहे थे, मगर इतवाक से वो आपके प्रोडक्शन के हवाले से हो सकते हैं, उन्हें ये क्रेडिट मैं कभी लेता नहीं, ये मुझे लेना नहीं, एक जिक्र की बात है। मैं तस्करा भी नहीं इस तरह करना चाहता, क्योंकि बस वो एक है, वो खुद अगर वो जो भी एक्टर है वो खुद कर दे तो कर दे, मैं मुझे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बताऊं। कुछ लोग हैं ऐसे, काफी हैं, काफी बहुत हैं उस वक्त से, जो माशाल्लाह उस वक्त से है, मैं 20 साल तो हो गए मुझे काम करते हुए, कितने लोग आए होंगे, तो बहुत हैं, लेकिन ये मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना कि मैं बताऊं ये मुझे नहीं बिल्कुल पसंद, मुझे अपने लिए अच्छा शर्म आती है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वरना आमतौर पर लोग इस बात का बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि यार वो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, वो अल्लाह का नसीब उसके साथ था, उसने हो सकता है उसकी वजह से मुझे, हाँ ये भी होता, उसको सिखाने में मैंने कुछ सीखा हो, ये भी हो सकता है, इसमें कुछ, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं इसमें बस अल्लाह का एक सिस्टम है, मैं उसको पर बड़ा बिलीव करता हूँ कि एक सिस्टम है, लोग इसी तरह मिलते हैं, कुछ मेरे काम आते हैं, कोई मैं किसी के काम आता हूँ, तो मैं उस सिस्टम में बस वो अल्लाह है सबसे ऊपर, बस अल्लाह तो सब कुछ करने वाला वो, ये बेशक बेशक नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि कहानी जो उस वक्त से आप बताएं कि ऐसे कोई कहानी मिली या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिला जिससे आपने कहो यार कि इससे बड़ा मुझे सुकून बहुत मिला है, या मैं बड़ा इससे बड़ा सेटिस्फाई हुआ, या मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया था जो अब किया। एक कहानी थी, कंकर नाम था उसका, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, वो मुझे करने के बाद वो अच्छा लगा था, वो उमैर अहमद का लिखा हुआ था और उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, उनका अफसाना है क्या, नॉवेल कंकर, वो मैंने किया था, तो वो उस पर मुझे वो काफी मुझे वो अच्छा लगा था स्क्रिप्ट, और उसके बाद भी काफी हम करते रहे चीजें। फिर औलाद एक मेरा ड्रामा था, वो मैं कल, वो मोहम्मद अहमद साहब को, जी मोहम्मद अहमद साहब, वो कहानी मुझे बड़ी अपील नहीं, किया वो वाकई वो बहुत, वो मैंने हालांकि उसके ऊपर लोगों ने काफी कहा कि माँ बाप की कहानी हो तो बागबान बना देते हैं, तो ये बड़ी ज्यादती होती है, उस कहानी को देखें आप, उसमें बिल्कुल बागबान नहीं है, उसके अंदर औलाद का, औलाद के लिए वालदैन का कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइसेस की कहानी। हसन नियाज़ी भी था ना उसमें, हसन नियाज़ी भी था, नबील ज़ुबैरी भी था, फरकान कुरैशी था, और भाई थे ना, भाई होते हैं तीनों, तीन भाई होते हैं, दो बहन होती है, एक पागल रिटार्डेड सी सिस्टर होती है, सही सही, और एक और बहन होती है। बड़ा अच्छा वो प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो बहुत अच्छा, वो मैं बड़े दिल के उसमें, जिसमें जिसको बोलते हैं ना, तो यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट, तो वो वाला था, वो उस तरह। अच्छा वो ड्रामे ऐसे हैं, ये कुछ ड्रामे ऐसे हैं कि जिनमें बाज़ जगह कि वाकई देखने के बाद, मतलब काम अगर अच्छा हुआ तो बनता वाकई देख के उदास हो जाता है वो, या उसके आंखों से तो नमी तो आती आती। अच्छा रीज़न आंखों से नमी, मैं एक कुरान की आयत है जिसके ऊपर मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इस काम को करते हुए, वो ये है कि सूरह आले इमरान की एक आयत है, उसमें वो अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो नेकी की तरगीब करें और बुराई से रोकें और बुराई के बारे में बताएं, बिल्कुल बेशक वही लोग कामयाब हैं। तो मैं जब वो आयत मैंने जब पढ़ी थी तो मैंने कहा यार चलो शायद मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं एक गुड एंड बैड के ऊपर हम काम करते हैं कि ये अच्छाई है ये बुराई है, उसके बारे में बता देते हैं कि यार तुम्हें बता दिया। आज भी आज के ज़माने में ये मास कम्युनिकेशन का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, टीवी के ऊपर देखो, मोबाइल पे देखो, लैपटॉप पे, जहाँ चाहो देखो, लेकिन जो अखज़ करनी है चीज़ वो अच्छाई को अखज़ करो, अच्छाई का ये अंजाम है, अच्छाई हमेशा तकलीफ़ में रहती है, और जो बुराई है वो लगता है वक्ती तौर पे जीत रही है लेकिन वो आखिर में उसके साथ अच्छा नहीं है जो कयामत में होना है। हम तो वो हम इस दुनिया के अंदर एक छोटा सा वो हम छोटी सी एक स्टोरी लाइन के साथ हम सुनाते हैं। तो ये आज भी हमारे ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बनते हैं, ये अच्छा था, ऐसे बहुत सारे अच्छे, कंकर भी मैंने याद पड़ता है, थोड़ा बहुत देखा होगा मैंने, तो मगर ये कि उनके हवाले से
مختلف ایسے کیوں نہیں ہمارے پروجیکٹ بنتے کہ جس سے معاشرے کی برائیاں اجاگر ہوں اور اس میں معاشرے سے پتہ چلے کہ یار یہ ہمارے کچھ یہ لکیر چند ایسے پروجیکٹ ہو جاتے ہیں. معاشرے کی برائی کو اجاگر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. نہیں تو آپ اگر اجاگر کریں گے لوگوں میں آپ کو بتاؤں اس کا حل نکالنا حل حل بھی تو ہے نا خالی برائی دکھانے کے بعد اس کا حل نکالیں گے. جی 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 حل نکالنا ہم حل بتانا ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو بھی ابھی تک چیزیں آ رہی ہیں اس میں حل نہیں ہے. اس میں صرف معاشرے کی برائی کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ دکھایا جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ ہو جو میں چاہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں خالی برائی تو نہیں ہے, معاشرے میں 10 چیزیں ہیں, معاشرے میں 100 بیماریاں ہیں. جیسے ایک میرا ڈرامہ تھا وہ بھی مجھے پسند ہے لیکن وہ اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہوا تھا. اس کا نام تھا میں دیوانی. اس میں ایک لڑکی تھی جس کو ذہنی مرض تھا اور دیکھنے میں سب کچھ نارمل تھی لیکن اس مرض کے اوپر کبھی کسی کا دھیان نہیں گیا. ہمارے یہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا, اولاد کو لے کے جانا, اگر اس کے رزلٹ برا آ رہا ہے, دوسرے بچے کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے تو وہ اس کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے اس کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کوئی سوچتا کہ یار اس کو دکھائیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ڈاکٹرز ہیں اس کی. اور سب سے زیادہ جو سائیکالوجی ہے اس میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. اور اس میں ابھی جو ہمارے میڈیکل سائنس ہے جس سے ہمارے بایولوجیکل جو چیزیں ہیں اناٹومی کے حساب سے اس میں اتنی زیادہ بیماریاں پتہ نہیں کتنی ہیں لیکن اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, آج تک ہو رہی ہے اور ابھی تک کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ہے. صرف دوائی کھلا کے لیور ٹرانسپلانٹ تک پہنچ گئے. مطلب اس کا مطلب آپ نے حل نہیں نکالا ہے, آپ نے وقتی دبایا, وقتی دبا دیا, سولوشن نہیں ہے. لیکن سائیکالوجی کے اندر سب سے زیادہ رزلٹ بھی مطلب ریسرچ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور نتیجے بھی بڑے بہتر ہیں. تو اس کے اوپر وہ کہانی تھی لیکن وہ نہیں چلی کہ بچپن سے اگر آپ کوئی مس کوئی دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی نارمل روٹین کا اگر بچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو دیر مز بی سم سائیکولوجیکل ایشو, آپ اس کے اوپر دھیان دیں بجائے اس کے کہ یار پتہ نہیں ضدی ہے ضدی ہے ضدی ہے کہ ہم نکال دیتے ہیں. لیکن ضدی ہونا, ہر بچہ ضدی کیوں نہیں ہے, آپ اس کے اوپر دھیان دیں. تو اس طرح کی چیز تھی, وہ اچھا تھا لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں لوگوں کو سمجھ آیا. اچھا میں اب اتنے سارے آپ نے بنائے ان میں کوئی ایسا جو اب تک آپ نے سوچا ہو یار کہ کاش کہ اس طرح کی کہانی آپ کے ذہن میں ہو آئیڈیا کہ یار یہ ہونا چاہیے یا اس طرح کا کام مجھے کرنا چاہیے, کیوں مل کیوں نہیں رہا مجھے کہیں سے, یا کہیں سے آپ نے اپنی ڈیمانڈ کی ہو کہ یار ایسا کچھ نہیں. اب الحمدللہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی تو آبزرویشن آپ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں بالکل, کہانیاں بھی بہت ساری ہیں, بہت کچھ سوچا ہوا ہے. جو دل چاہتا ہے وہ دماغ میں آتا ہے تو اس کو ہم کاغذ پہ بھی اتار لیتے ہیں, ڈسکس بھی کرتے ہیں رائٹرز کے ساتھ. پھر وہ اسکرین پر آتا نہیں آتا؟ اب اسکرین پہ پہلے تو نہیں آتے تھے لیکن اب میرے پاس ایوینیوز ہیں. میرے پاس میرا یوٹیوب چینل ہے, میں اس کے اوپر بنا دیتا ہوں چیزیں, اور جو ویب ہے اس کے اوپر, ویب کا دور ہے, او ٹی ٹی ہے, اس کے لیے بہت ساری چیز. اب تو ایوینیوز بڑھ گئے ہیں تو اس کے لیے اب ہم انشاءاللہ اب وہ چیزیں بھی جو میرے ذہن کی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھیں گے لوگ انشاءاللہ. تو یہ مطلب چینلز پہ کیوں ایسا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ چینلز کا میں نے آپ کو بتایا ان کی فلسفی اور ٹارگٹ, مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں. یہ تو مطلب ہم چینل جو ہے اگر ہمارے یہاں ایک بڑا میڈیم تو وہی ہے نا, ایک بڑا میڈیم, بالکل بڑا میڈیم ہے اور سب کچھ ہے اس کے باوجود, کیونکہ لوگ ویسے تو دیکھتے ہیں یار اتنا یہ فلانا فلانا فلانا, مگر ہمارے معاشرتی کہانیوں کو اجاگر کرنے میں کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جو عام طور پہ ویسے ہم اگر کسی کو سمجھائیں تو شاید ہماری بات نہیں سنے گا وہ, مگر وہ ڈراماٹائز کر کے اگر اس کو وہاں تک لے جائیں گے تو وہ نہیں دیکھے گا. نہیں جائے گا وہ, نہیں وہ دیکھے گا پھر چھوڑ دے گا دیکھنا. جو جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں تک جائے گا, آپ لے کے تو جائیں گے اس کو وہاں تک. ہاں لیکن وہ اس کا اگر اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا اس نے وہ نہیں دیکھنا, وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے چینل. جب چینل کو آپ وہ سوئچ کر دے گا تو چینل بولے گا بھائی میری ٹی آر پی نیچے جائے گی تو میرے ریٹ نیچے چلے جائیں گے, میں کیسے پھر مجھے ہی کیسے پیسے دے گا, سیدھی سیدھی سی بات. اچھا بچوں کے حوالے سے کیوں, میں نے جو بات ہوئی تھی کہ بچوں کے حوالے سے ہمارے کیوں مطلب کوئی ایسے پروگرام کیوں نہیں بن رہے؟ ماضی میں ہمارے مطلب پی ٹی وی پہ بہت ایسے پروگرام رہے بچوں کے, بڑے کامیاب رہے, بہت کامیاب رہے. میں بڑا ہوا ہوں بہت سارے وہ بہادر علی اور بہت ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے میں بڑا ہوا ہوں. اینک والا جن تو خیر اس وقت میں پڑھنے لکھنے میں لگے ہوئے تھے, تو اس وقت ہم ٹی وی سے باہر نکل گئے. جو میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں تو وہ 80s میں, لیٹ 80s میں ہم دیکھتے تھے بہادر علی تھا جس میں ذوالقرن نے نظر کا ڈرامہ تھا, برکت ان کا کیریکٹر ہوتا تھا, مجھے آج تک یاد ہے. وہ بچوں کا کہانی ہوتی تھی, بالکل صحیح بات ہے, وہ بڑی اچھی کہانیاں ہوتی تھی. ایک پروگرام ایسا آتا تھا جس کے اندر ٹریفک کے اوپر بتاتے تھے کہ گاڑی کیسے چلانی ہے, میں نے یہ بھی دیکھا ہوا بیٹھ کے نا, میں ٹی وی کا دیکھتا تھا جب. تو
बात अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम बहसीत कौम किस तरह के हो गए कि हम कंज्यूमर कौम हो गए ना, जब अंग्रेज बना रहे ना आप अगर देखें तो यूट्यूब के ऊपर बच्चों के जो चैनल्स हैं उसके व्यूज़ कितने हैं, वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चों के हीरो बन गए, उनकी हरकतें हमारे बच्चे करते हैं, लेकिन हम क्योंकि कंज्यूमर हैं हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, ना हम कोई कहानी सुना रहे, वरना हमारे पास बड़ी इस्लाही चीज़ें हैं, अगर मैं पैगंबरों की कहानियाँ सुनाना शुरू हो जाऊँ कुरान से उठा उठा के तो बच्चों को एजुकेट भी करेंगे और उनको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मिलेगी। तो किस तरह तो अभी जैसे कि अभी अगर वो एक अब वो जो अर्तुगरुल चल रहा फिर अब उस्मान आया, देखिए अर्तुगरुल एक हिस्टोरिक कैरेक्टर हिस्टोरिकल है, मगर बात है कि लोग उस तक कैसे पहुंचे आप देखें उसकी एग्जीक्यूशन। आप एक और भी चीज़ होती है ना कि अब आप ये देखें इसमें हमारी कहां मुसीबत में फंस जाते हैं कि दुनिया ने अर्तुगरुल देखा एक ग्रैंड प्रोडक्शन में देखा जिसके अंदर इतना, और ये आसान ड्रामे नहीं होते बनाना, ये बहुत महंगे ड्रामे होते हैं। फिर आपको मार्केट की फिजिबिलिटी भी होती है कि अगर मैं कुछ 5 रुपया डाल रहा हूँ तो 6 नहीं तो 5 ही तो वापस आए, तो लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल ही नहीं होगा तो आप उस तरफ कदम ही नहीं रखते। तो पॉइंट ये कि जी टेलीविजन के ऊपर इस तरह का इतना बड़ा इन्वेस्ट कर देना और अगर आप नहीं करते तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो इससे अच्छा आदमी खामोशी इख्तियार कर ले, तो इसलिए ये भी एक वजह होगी। तो मेरे ख्याल में ये वजह शायद अगर देखा जाए तो ऐसी ख़ास वजह नहीं, मगर अब जब हम कहते हैं हम ये बैठ के हमारे जो इस वक्त की चीज़ें जब अर्तुगरुल शुरू हुआ तो आप देखें शोबिज़ में अर्तुगरुल अर्तुगरुल की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान में नहीं बन सकती, नहीं, इतना महंगा है। आप छोड़ दें आप उसको, आप वहाँ देखिए टीपू सुल्तान बनता था जब मैं छोटा था, टीपू सुल्तान पीटीवी पे बनता था। अब आप आज ना अर्तुगरुल लगाइए और वो पीटीवी का वो लगाइए जिसमें डिजॉल्व में घोड़ों की टांगे भाग रही होती थी, लेकिन वो आज के दौर में वो कह गई क्या मजाक है, लोगों ने 300 देख लिया है, लोगों ने बाहुबली देख लिया है, लोगों ने क्या क्या देख लिया है। हम अपने हीरोज को खराब करने के बजाय हम उनके किस्सों तक ही रहें वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास बड़े बड़े हीरोज़ तो हैं लेकिन उनको हम उस तरह दिखाएंगे कि उनका एक गैर मुस्लिम ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, हमारा वाला ठंडा लग रहा है कि यार उसने क्या कपड़े पहने हैं, स्ट्रांग ही नहीं है ना, मसल्स हैं ना उसकी आवाज़ में वो दम है, तो हम क्या करेंगे मुझे बताएं। ये बात भी सही है, तो हमें तो अपना हीरो खराब भी तो नहीं करना ना, उसको बचा के भी तो रखना, उसकी इज्जत बची हुई बची रहने। एक छोटी ब्रेक लेते हैं हम और ब्रेक के बाद दोबारा फिर आते हैं। बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की है आबिस ने, बहरहाल इसके बाद फिर आते हैं। थोड़ी सी मसाइल तो बहुत सारे हमारी शोबिज में भी बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब चमकती दुनिया तो है, ये चमकती दमकती तो है, मगर ये चमक ज़ाहरी बहुत ज़्यादा चमक है, अंदरूनी तौर पर जाए तो बड़े मसाइल नज़र आते हैं। और आप इस आज बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, बड़ी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। On the way for commercial break. Stay tuned. You're listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Thank you.
जी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक थी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और हमारे साथ मौजूद हमारे मौजूद मेहमान टीवी और फिल्म के डायरेक्टर जनाब आबिस रजा मौजूद है। अच्छा आबिस, ये अब टीवी की तो अब बात चल ही रही थी कुछ कहानी, तो अब यहाँ से फिर फिल्म तक आपकी बड़ी स्क्रीन तक कैसे पहुँचे आप? बड़ी स्क्रीन से भी मैं फिल्म से ही अपना छोटी स्क्रीन से ही बड़ी स्क्रीन पे पहुंचा अगर देखा जाए तो। मेरा एक दोस्त था, बल्कि है अभी भी दोस्त है, उमर ईसा उसका नाम। अच्छा। उसने भी फिल्म बनाई है, वो भी इंशाल्लाह भी रिलीज होगी बहुत जल्दी। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि यार एक फिल्म है वो बनानी है, तो मैंने कहा कि मुझे क्या है, ये लोग फंसे हुए हैं जरा बना दो ऐसे करके। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार देखता हूँ क्यों फंसे हुए भाई। तो खैर उसने जब कहा तो फिर इस तरह करके मुझे अप्रोच किया गया, तो फिर मैंने उनको बना दी फिल्म। तो हमारे यहाँ फिल्म जो है आमतौर पे मैंने जो देखा है और आमतौर पे यही है कि हमारे यहाँ जो ड्रामे को बड़ी स्क्रीन पर ले गए हम लोग और हम उसको फिल्म का नाम दे दिया हम लोग, क्या ये ऐसे ही है? हाँ देखें, ड्रामा तो एक किस्म है ना आर्ट की, ड्रामा भी एक किस्म है, तो उसमें फिर एडवेंचर है, थ्रिलर है, एक्शन है, तो सारी किस्म है। तो ड्रामा फिल्में तो हॉलीवुड भी बनाता है कि वो फिल्म इज नॉट कि हमारे अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। फिल्म का जो है एक उसको समझने की ज़रूरत है कि जो जितना मैंने पढ़ा है फिल्म के लवाजमात ये नहीं होते। स्टीवन स्पीलबर्ग कहता है टू मेक अ फिल्म यू जस्ट नीड अ कैमरा, आपको कैमरा चाहिए फिल्म बनाने के लिए, लेकिन फिल्म क्या है ये है कहानी। तो फिल्म है क्या? यही फिल्म वो चीज है, कोई ऐसी कहानी जो आपको इनलाइटन करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको कहीं अपना आपका स्टेटस को आपके स्टेटस को चेंज करे, आपका माइंड सेट दे। फिल्म का एक्चुअल कहानी ये होती है एंटरटेनमेंट के साथ, तो इस ये है असल मकसद। इसके अंदर अगर हम कहते हैं कि जी फिल्म ही नहीं लग रही, तो फिल्म लग रही है तो यार कैसे लगेगी फिल्म? मार्वल बना दें, मार्वल की फिल्म बनाए, वो आपको फिल्म लगती है? मुझे तो नहीं लगती मार्वल की फिल्म होगी कि उड़ रहे हैं इधर भाग रहा है उधर, ये क्यों उड़ रहा है और भाग। तो पॉइंट ही अप्रोच की बात है, एस्थेटिक्स की बात है, अवेयरनेस की बात है कि आप अवेयर कितना कर रहे हैं, एनलाइटन कितना कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को। एक्चुअली फिल्म का ये मकसद है, एक किताब की तरह होती है फिल्म, आज के दौर की किताब है फिल्म, जो आपने किसी तरफ ध्यान दिलाना होता है। लाइक अगर मैं एक फिल्म बनाता हूँ, आज सबसे बड़ा मसला पानी का है मुल्क में क्या दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग का इतना बड़ा इशू है, तो मैं इसकी तरफ आपको अभी मैंने बोला तो आपको हाँ आप कहेंगे, लेकिन उसको सीरियस नहीं ले रहे आप, और मैं भी सीरियस नहीं ले रहा। अगर मैं सीरियस लूंगा लोगों को उसकी इंटेंसिटी बताऊंगा, उसकी सीरियसनेस बताऊंगा। जैसे 2012 एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, और इसी तरह जो आप जिस दुनिया में पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर लोगों को अवेयर करना, ये एक्चुअली फिल्म का काम है विद एंटरटेनमेंट। जो आपने कहा ना कि लोग देखने तो आएंगे, जो मैं दीवानी के बारे में जब आप कह रहे थे, तो फिल्म का काम एक्चुअली ये है। तो उसमें शॉट क्या कह रहा है, कितना बड़ा फ्रेम हो, नाच गाना, वो एक एंटरटेनमेंट, वो लोगों को रोक के रखने, वो लंगर है। वो फिल्म में जो नाच गाना और हंसी मजाक एंटरटेनमेंट है ना, वो एक लंगर होता है ताकि लोग रुके रहें असल बात को देखने के लिए। तो वो अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो वही बात है कि आपको सोल्यूशन देना है, मसले के साथ सोल्यूशन देना है। तो ये वाली चीज़ें भी क्लियर अभी हमें होने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो अब देख रहे हैं जब से अब सुनते आ रहे हैं कि फिल्म रिवाइव है, रिवाइव करते हैं, दस ग्यारह साल गुजर गए, अब तक तो मतलब हम वहाँ तक पहुँच नहीं सके। जो फिल्म रिवाइव कर, मतलब आपने पाकिस्तान में जो फिल्म बनाई है आज तक, मैं तो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा रिवाइव किस चीज़ को रिवाइव, ठीक अभी इंडस्ट्री हमारे मुल्क में, मुझे एक बात बताएं कि जी फलाना फिल्म देखी थी उससे यार ये हम आज हम बड़े हुए हैं, हम रोमांटिक फिल्में तो देख के बड़े हुए हैं। आपका ये मोबाइल क्यों बिक रहा है इस मुल्क में, आपके ये पैकेजेस क्यों चलते हैं इस मुल्क में, क्योंकि आपने रोमांटिक फिल्में ही देखी हैं, आपने रोमांस ही देखा है। तो क्या सिर्फ रोमांस उस दुनिया में रह गया है? रोमांस एक पार्ट है एक बड़ी बात को करने का, बट रोमांस हर चीज़ नहीं है। पॉइंट ये है कि आपने आपके अंदर स्किल डेवलप करना है। हमने आज हम ये पैकेजेस वगैरह ये दिया है हमारी पुरानी फिल्मों ने। अगर मैं आपसे कुछ मशहूर फिल्मों का नाम लूँगा ना, आप मुझे 5 रोमांटिक फिल्में बता देंगे। मैंने आज तक किसी आदमी से, मुझे वो अच्छी लगती है मंगू और गधा, मुझे वो फिल्म अच्छी लगती है। फिर आप पुरानी फिल्म देखें तो जरका,
पुरानी फिल्म जरका है, मतलब शीरी फरहाद है, रोमांटिक है, मगर स्टोरी है वो लैला मजनू जो माजी में बनी, वो भी एक हमारी मतलब उसमें क्या आपने क्या ड्राइव क्या किया लाइफ में? नहीं ड्राइव का मतलब एक स्टोरी थी ना, दिस इज इट वो है तो रोमांटिक स्टोरी, रोमांटिक है ना, सिर्फ रोमांस को हाईलाइट कर देना, रोमांस को एनहांस कर देना, क्या रोमांस के अंदर हम क्या ये बात नहीं बता सकते कि जी एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है? हम इस बात को हाईलाइट क्यों नहीं कर देते कि एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करने के लिए इस दुनिया में आया है, उसका तरीक़ेकार ये है कि उससे मेरे लिए रोमांस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बेशक बेशक, और रोमांस अल्लाह के अलावा कोई कर नहीं सकता मेरे लिए ऐसा है, क्योंकि अल्लाह इंसान से इश्क कर सकता है, इंसान के तो बस का काम ही नहीं है, नहीं, नहीं, क्योंकि इश्क में क्या है, इश्क और मोहब्बत में क्या है कि आपको कुछ वापस रिवॉर्ड चाहिए नहीं होता, जैसे अल्लाह को नहीं चाहिए आपसे कुछ, और इश्क तो कहते हैं मोहब्बत का आखिरी जो एक जो और इंसान नहीं कर सकता, इश्क है वो, इश्क है इंसान कर नहीं सकता ना, वो कर नहीं इंसान सकता। को अगर अल्लाह से भी इश्क करने का दावा कोई करता है उसको आखिर में जन्नत चाहिए होती है, वो लालच है कहीं ना कहीं, लालच है ना कुछ चाहिए, इश्क में कुछ चाहिए तो नहीं होता, अल्लाह करता ना इश्क, अल्लाह को आपसे क्या चाहिए और आप दे क्या सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, और लेकिन फिर भी वो आपको इतना प्यार इतना संभाल कि आपको जिंदगी में कहां कहां से आप निकल जाते हैं आपको पता नहीं, तो इश्क की तो बड़ा दर्जा है, वो तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, इश्क इंसान से अल्लाह करता है, तो उस हम चक्कर में हमने रोमांस रोमांस करके हमने बड़ा ख़राब कर दिया सिर्फ रोमांस में। आज हमारी फिल्में अगर देखा जाए तो ज़रा सा कोई सब्सटेंशियल फिल्म होती है वो बिजनेस ही नहीं करती, क्योंकि यार ये क्या बात हुई, ये हो जाता है, हाँ जी रोमांस दिखा दें, नाच गाना दिखाएं, आप सब देखेंगे शौक से देखेंगे, खाली नाच गाना, हालांकि नाच गाना दिखाएं आप एक बड़े मकसद के लिए दिखाएं, वो अभी ऐसा है नहीं, तो देर इज नथिंग लाइक अ फिल्म एंड नथिंग लाइक अ रिवाइवल इन दिस कंट्री। नहीं अगर टेक्निकली एक टेक्निकली बात की जाए तो मतलब ड्रामा और फिल्म के दोनों में टेक्निकली क्या फर्क है भाई? टेक्निकली ड्रामा टीवी पे अगर आप काम करते हैं कट टू कट आपका काम चल रहा होता है बिल्कुल, लेकिन टेक्निकलिटीज के हिसाब से ना डिटेलिंग का बड़ा फर्क है, डिटेलिंग का फर्क है, क्योंकि टेलीविजन एक दफा आया और चला गया सही, उसके अंदर बड़े कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस आपको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि चलो ठीक है तो ये हम कंटेंट ये बता दो कि कहानी इस तरह की जा रही है, लेकिन जब फिल्म होती है ना वो बार बार चलनी है तो उसकी डिटेलिंग का बड़ा फर्क है, और सारे फनून लतीफा के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक म्यूजिक हो गया, पोइट्री हो गई, डायलॉग हो गया, ओरेशन हो गया, स्क्रीन प्ले हो गया, डांस हो गया, हर चीज़ों को मिला के जब हम हर चीज़ एक जगह जमा कर देते हैं वो फिल्म बन जाती है, तो ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से तो सारे फनून लतीफ़ा को एक जगह कर दो तो फिल्म बन जाती है, जहाँ एक पर्टिकुलर एक पाथवे पे चलना है तो वो फिल्म नहीं, वो ड्रामा है, आप उसको टेलीविजन कह लें, टेलीविजन और फिल्म है, इसको ड्रामा और फिल्म कहना गलत है, इट्स टेलीविजन और सिनेमा, ये दो डिफरेंट मीडियम है ये। तो हमारे फिल्म को मतलब फिल्म को अगर बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर हम कहते हैं एक बार फिर हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी आगे आ जाए तो उसके लिए फिल्म के लिए खासतौर पे अलग से फिल्म के एक्टर या फिल्म का एक अलग डिपार्टमेंट या फिल्म का एक मतलब देखिए प्रमोशन में आपको मैंने एक बात सुनी है कि क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री हमारे यहाँ क्या होता क्या अब कि हम टीवी पे मैंने 8 बजे देखा कुछ एक्टर्स को 8 से 9 में ड्रामा देख रहा हूँ मैं या रोज़ाना एक सीरियल, अब तो रोज़ाना ड्रामे आते हैं, अब वही फिल्में भी हैं और फिल्म भी उनकी लगी हुई है, तो अब मैं क्या देखने जाऊँगा उनको मैं कि जो मुझे घर में नज़र आ रहे हैं सुबह शाम मैं उनको देख रहा हूँ 24 घंटे देख रहा हूँ फिल्म पे, उनको फिल्म देखने जाऊँगा फिल्म बड़ी स्क्रीन पर देखने जात हो रहे हैं उन्हीं को देखने लोग इतने आप देखिए शो में कितना कुछ नहीं, हुमायूं सही टेलीविजन का चेहरा है नहीं था, अभी अब टेलीविजन पर नहीं आ रहा ना वो, जब से मैं अभी तो नहीं, अभी कोई ड्रामा नहीं आ रहा, तो अभी जब नहीं आ रहा तो अभी फिल्म भी अगर आप देखा जाए फाद मुस्तफा रोज आते हैं, नहीं मैं ये मेरा मकसद ये कहने का एक मैं आपसे कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्योंकि माजी में हमारे यहाँ फिल्मों पे जो रश होता था या जो होता था वो हमें नदीम वहीद मराज मोहम्मद अली ये तमाम रॉबर्ट ये तमाम लोग हमें के नजर नहीं आते थे, अब दौर चेंज हो गया, अब दौर हो गया चेंज, अब ना बहुत फर्क हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ना, आपके मोबाइल में हर वक्त नदीम क्या अमिताभ भी आपके पास जेब में रखा हुआ है आपने अमिताभ को, तो अब अमिताभ की भी वैल्यू खत्म हो गई, अमिताभ मगर अमिताभ तो ड्रामे में नहीं आ रहा ना, वो टीवी पे शो कर रहे हैं एंकर, नहीं वो तो एक शो बहुत चला आ रहा है ना वो, जो क्या वो कौन बढ़ेगा करोड़पति, सलमान खान भी टीवी पे आ गए, शाहरुख खान भी टीवी पे, सब तो टीवी पे आए, वो एक शो उनके पर्टिकुलर चल रहे, मतलब वो उनके ड्रामे सुबह शाम ड्रामे नहीं चल रहे,
ڈھامے نہیں چل رہے. میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. یہ دیکھیں یہ بھی سارا مارکیٹنگ کا مارکیٹنگ کا سارا کھیل ہے. اور ایسا نہیں ہوتا, اگر ایسا ہوتا تو آج ہماری فلم انڈسٹری ختم نہیں ہوئی بھی ہوتی. اگر اتنے امپورٹنٹ ہوتے ان آتے نا بنا رہے تھے نا فلم. شان کی بھی فلم آئی ہے نا جو صرف فلم کرتا ہے, کیوں نہیں چلی؟ لوگوں کے اوپر ہے کہ لوگ جس کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں وہ پٹک دیتے ہیں. آپ کو بڑا سنسیئر ہونا پڑے گا آپ کام کے ساتھ. یہ ویور جو ہے بڑا بروٹل ہے, اس نے ٹی وی والوں کو عزت دے دی. شان مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھے ایکٹر ہیں ہمارے پاکستان کے, اتنی بڑی انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا. بٹ ان کی فلم بھی آئی اور ہمارے ٹی وی سٹارز کی بھی فلمیں آئیں. وہ مشہور تو ٹی وی کے ہیں, ہمایوں سعید بھی ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہے, فہد مصطفیٰ بھی ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہے, ایون فواد خان اس ٹیلی ویژن ایکٹر, سب ٹیلی ویژن سے آئے, سب ٹیلی ویژن. اور ان سب کی فلمیں چل رہی ہیں, اٹ مینز کہ آڈینس سلیکٹ کرے گی کہ جی ہمیں کیا دیکھنا ہے, کس کو دیکھنا ہے. اب آپ نے بڑا سنسیئر اور بڑی محنت سے کام کرنا ہے. اب دوڑ ہے سخت, تو آپ نے یہ سب چھوڑ دیں کہ کون سا چہرہ بکتا ہے کون سا نہیں. فلم بکتی ہے اور فلم ہے ڈائریکٹرز میڈیم, ڈائریکٹر کی چیز ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹر کی ایک کہانی سنانے کا انداز ہے اور آئیڈیا بکتا ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے. جیسے ابھی ہندوستان اور پاکستان کی انڈسٹری نے دونوں ایک ساتھ نوز ڈائیو کری تھی, نیچے جا رہی تھی. جب وہ جا رہی تھی تو ہندوستان نے بڑی ترکیب جو لگائی اپنی انڈسٹری کو سروائیو کرنے کی. بریک لے لیں, چائے بھی آ گئی, ذرا سا گلا بھی تر کر لیں. جی جی بالکل بالکل. اس کے بعد ملتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. FM 100. FM 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad. FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. FM 100. 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. You're listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan.
across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. FM 100, 100, 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. FM 100. 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. On the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. FM 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad. जी जनाब, ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं. खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम. एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान अपने तमाम देखने और सुनने वालों को. और ये प्रोग्राम आप रेडियो पर यकीनन सुन रहे हैं और रेडियो पर सुनते रहते हैं और सुन आप देखते भी रहते हैं. और देखने का सिलसिला आपको पता के साथ साथ आप इस प्रोग्राम की लाइव वीडियो FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर, मेरा ऑफिशियल पेज फेसबुक पर मौजूद है, वहाँ भी देख सकते हैं. और FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम. अब ये कि वीडियो से थोड़ा लोगों को आसानी पता है, अब इस ये हो गई है कि लोग अब अभी नहीं भी देख रहे, बाद में सुकून में पता है. अब तो यार वीडियो भी होती है प्रोग्राम की, तो आराम से सुकून से देख लेंगे. हाँ, वरना पहले प्रोग्राम रिपीट रेडियो तो रिपीट नहीं, रिपीट नहीं होता. हाँ, तो अब इससे आसानी लोगों के लिए फायदा. अभी ये बस रिकॉर्ड हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है, बन जाता है हिस्सा. तो वो भी बात वही सोशल मीडिया की. जी 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 जी. तो अब ये हो गया कि अब वो जरूरी नहीं. अब इसीलिए आप देखें, ड्रामे हो गए, जितने ड्रामे हैं. अब मेरे घर में केबल नहीं चलता. अच्छा, मतलब रात को यूट्यूब पे रात को बैठ के सुकून से घर वाले देख रहे होते हैं. मतलब मैंने बहुत सारे ड्रामे, जैसे वो अंगना ड्रामा पूरा देखा, 1-2 आवर रात को सुकून से जब होता था एपिसोड, बिल्कुल सही, सुकून से देखते. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. अभी फिर वो अभी बहुत सारे ड्रामे हैं. फिर वो औलाद ड्रामा आपका, वो भी रात को फैमिली के साथ बैठ के हम लोग बैठ के देखते थे और यूट्यूब पे देखते थे. मतलब टीवी में नहीं देखा उसको, देखेंगे तो इसलिए अब लोग पता वक्त के साथ साथ लोगों ने ऑप्शन अपना देख लिया कि यार सुकून से मुझे जब वक्त मिलेगा मैं उसे देख लूंगा. बिल्कुल ऐसे ही. तो अब लोगों को काम भी तो करना है, उसमें अपनी आसानी लोग देख रहे होते हैं कि उसमें देख लें. और ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है अपने हिसाब से. तो इसीलिए वक्त के साथ साथ मतलब लोगों की ये आसानी हो गई कि अब वो मैं मतलब केबल के टीवी के मोहताज नहीं रहे. बिल्कुल ऐसे ही. अब और कुछ नहीं, मुझे कहीं और बात है, जैसे वही बात है, मैंने देखा कि अब शूट पे बंदा बैठा तो वहीं उसने अगर कोई काम है तो उसने बैठ के वहीं मोबाइल पर बैठ के अपना देख रहा है जो काम. बिल्कुल ऐसे ही, मसला ही नहीं. तो अब वो इसीलिए टीवी पे नहीं, अब वो लोग आसान इसीलिए आसान भी हो गए, लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं. अब इसीलिए यूट्यूब का मुकाबला शुरू हो गया है, वहां की टीयर भी शुरू हो गई है. अब ये 4 मिलियन और इतने बड़े बड़े स्टार्स लगा देते हैं, 4 मिलियन, इतने मिलियन. अब वहाँ मिलियन की दौड़ शुरू हो गई है. वहाँ मिलियन, हाँ, कि इतने मिलियन इतने घंटों में हम आ गए. इतने घंटों में आ गए. अच्छा, ये जनाब ए आर के होस्ट हैं, कौन है पता नहीं, कहते हैं सो गुड जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया. और उसके साथ साथ जनाब अली सित्रा ने हमें ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम अजमल खान शोबी एंकर पर्सन एंड आबिस रजा जी, वालेकुम, बहुत शुक्रिया अली आपका, थैंक यू, जजाकल्ला. आप नाइट में हमारे
यकीन प्रोग्राम देख रहे हो तो सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब इस आपने मान जाओ जो बनाई मान जाओ, तो मान जाओ के दौरान आप कैसा आपका जब वो बनाई तो क्या तजर्बा कैसा रहा आपका, उसके बाद दूसरी फिल्म की तरफ आपने गए या अभी कुछ प्लान हो रहा है कुछ फिल्म वगैरह? मान जाओ का तजर्बा बताएं लाजमी। मान जाओ के तजर्बे से मुझे जो वैसे नाम बड़ा अच्छा हुआ नाम मान जाओ ना, उसका तजर्बा मुझे ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि अब जो भी फिल्म बनानी है वो खुद ही बनानी है। अच्छा बस इससे ज्यादा मैं आपको इसका मतलब वो तजर्बा इतना अच्छा नहीं था, कामयाब तजर्बा रहा कि जिसने आगे रास्ता दिखा आगे दिया। रास्ता दिखा दिया कि कैसे बनानी है और कैसे नहीं बनानी, तो वो मुझे समझ में आया। तुमने मान जाओ कि शूट वगैरह किया यहाँ की थी आपने? कराची और सिंध में हमने की थी। स्टोरी कैसी थी? वो स्टोरी अच्छी थी, एक रोमांटिक स्टोरी थी वो भी, उसके अंदर वही जो मिसिंग सब्सटेंस उसके अंदर भी था कि जो मकसद था कि क्या नहीं करना है बस वो हम कोई और दूसरी करते हैं बात, उसके अंदर बड़े अच्छा है, रिजर्वेशन है मेरे। अच्छा जी। नहीं नहीं फिर भी मतलब तजर्बा तो एक तजर्बा, अब वो मगर इस बात तजर्बा ये मैं आपको बताऊं ना, तजर्बा यही हुआ कि अपनी जो ख्याल है आपका अपना ख्याल आप खुद बनाएं, आप किसी और के ख्याल के ऊपर इतना ध्यान ना दें, बस इतना है फिल्म मेकिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नहीं तो अगर आपको जो एक आपको ख्याल दिया गया स्टोरी यकीन किसी की होती है नहीं, प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने ही ख्याल और अपनी ही कहानी के ऊपर आइंदा काम करूं, हाँ, तो वो ज्यादा वो एक मैंने ये क्योंकि आमतौर पर तो यही होता है ना कि आपको एज ए डायरेक्टर किसी ने हायर किया है तो अब तो ख्याल टीवी तक सही है, ये वाला काम टेलीविजन तक सही है, ये फिल्म में इस तरह नहीं हो सकता, फिल्म इस तरह नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत सारे ख्याल की जंग जब शुरू हो जाती है ना तो वो नहीं। अच्छा काम बात बड़ी सही की आपने, क्योंकि वहां पर जो है ना फिर वो प्रोड्यूसर का अलग दिमाग है, उसका अलग है, वो अलग जी, जी, वो ये नहीं यार ये होना चाहिए, नहीं यार ये होना चाहिए, नहीं यार ये नहीं इसको नहीं ये इसको ले यार इसको नहीं इसको लो यार ये फिर ये तो हकीकत है। फिर वहां पर जो मुझे नहीं पता कि बनाने वाले का क्या मकसद है, मुझे मेरा मकसद पता है ना, मुझे आपका मकसद नहीं मालूम कि आपने मुझे क्यों बुलाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मकसद मुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों आया क्यों आया मुझे ये मुझे पता है एग्जैक्टली बात। तो जब अपना मकसद पता हो तो उस पर फिर मतलब सही काम सही कर सकता है, ये बात तो है। तो अभी इन फ्यूचर आपकी प्लान अब कुछ है जहन में कुछ कभी जी, जी काफी सारी चीजें हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वो बामकसद चीजें ही होंगी और बड़ी क्योंकि मैं वैसे बेसिकली मेरे अंदर जो मेरा मिजाज वो थोड़ा मोटिवेशनल सा मिजाज है, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई चीज बनाऊं ना तो उसके अंदर कोई, अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी लीक वीडियो के नाम से, अच्छा उसके अंदर भी मैंने एक इशू को करके उसका रेजोल्यूशन दिया था कि उसके जब मसला अगर इस तरह का कभी दरपेश हो तो उसका जवाब ये है। अच्छा। उसका हल ये नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा आगे, नतीजे के ऊपर पहले ध्यान दें, तो वो थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल जरा साइड के ऊपर मेरा जरा ज़्यादा रहता है, तो अब जो भी चीज़ होगी वो इंशाल्लाह मोटिवेशन और अल्लामा इकबाल या रूमी या कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया को काम आ सके, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कुछ काम आ सके, इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो ये तो वाकई ये जिस तरह की आपकी सोच है और हकीकत ये है कि वाकई तो ऐसे सोच में कल अगर हो तो ये बहुत मतलब सही पॉजिटिवली जो है हमारे लोगों को हमारे व्यूवर्स को लेके जा सकती है। कम से कम अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपकी एक किसी भी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी को अगर कोई 1 मिलियन लोगों ने देख लिया, 1 मिलियन ज़्यादा छोड़ दे 1 मिलियन भी देख लिया, अगर उसमें से एक आदमी भी सही राह पे निकल गया उसको देख कर तो आपका तो काम हो गया, अल्लाह के सामने शायद सुरखुरू हो जाए। हाँ, वही ना, अगर एक मतलब 1 मिलियन में भी एक आदमी अगर एक आदमी पर असर हो गया, बिल्कुल ऐसे असर हो गया तो अपना काम तो हो गया ना फिर। जी बिल्कुल, जिस मकसद के लिए वही कहे कि हमें जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने हमें एक अगर ये सलाहियत दी है, अगर अल्लाह हमें हमसे कोई काम शायद लेना चाहता है जब भी हमें इस काम में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, राजी तकलीकी काम है नहीं तो हम खालिक तो अल्लाह है, तो उसकी एक सिफत है, खालिक की एक उसकी सिफत है जो उसने हमारे अंदर थोड़ी सी डाल दी है, तो हम अगर वो कुछ करते हैं तो अगर हम उसके लिए इंसानियत के लिए या इस दुनिया के लोगों के लिए या उस सोसाइटी के लिए जहाँ अभी अवेयरनेस नहीं है, यहाँ उसके ऊपर ध्यान नहीं है कि हम खुद क्या है,
मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में अगर एक आदमी भी कोई काम कर सकता है ना, तो उसी खालिक का बनाया हुआ है जो मेरा खालिक है। बेशक तो कुछ वो कुछ कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही, सही है। तो आप डिपेंडेंट क्यों रहो अल्लाह के अलावा? आप किसी के ऊपर डिपेंड क्यों करो? अल्लाह से डिपेंडेंसी का मतलब भी आपकी जात है कि ये अल्लाह की डिपेंडेंसी जो है वो वही जात ने आपकी भी जात बनाई है, जिसने किसी कामयाब या किसी नोबेल कोई काम कर देने वाले की जात बनाई। तो मैं थोड़ा सा इस तरह की तरफ मेरा ध्यान है, मैं खुद ही के ऊपर ज्यादा बिलीव करने वाला आदमी हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना। जी 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 जी, बस जो मेरी कहानी है वो खुद ही के ऊपर ही है वैसे, जो आगे मैं फिल्म बनाने इंशाल्लाह प्लान। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, मतलब ये आप इस सोच के साथ जब आप अपने इतने सारे माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, अभी आपका, अब आप जैसे बता रहे हैं कि बंदिश टू आपका इस वक्त ऑन सेट है आपका? जी, बंदिश टू ऑन सेट। और इसके अलावा कौन सा अभी? इसके अलावा अभी अगला मेरा आएगा मुझे कबूल नहीं, एक कहानी वो और है। नहीं, क्यों कबूल नहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं, मुझे कुछ मुझे तो कुछ भी कबूल नहीं मुझे तो कुछ कबूल नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कि कहानी का नाम है अभी ऑन पेपर इस तरह है। अच्छा। वो अगला उसके ऊपर तैयारी हो रही है, कास्टिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं उसकी। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा अब एक एक करके है सारे, बस तो अभी अब ये फ्रीलांस कर रहे हैं, मतलब किसी प्रोड्यूसर हाउस से अलग अलग प्रोड्यूसर। जी जी जी, अब ये सेवन स्काई के साथ हो गए। सेवन स्काई के साथ ही तो ये हमारे, जब से ये, एक बात मुझे बताएं, जब से हमारे प्रोड्यूसर हाउसेस का ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्यों ये हमारे लॉबी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया? अच्छा, मैं ये लॉबी वॉबी बिलीव नहीं करता। मैंने देखी नहीं, मैंने, हो सकता है वो लॉबी मुझे नहीं दिखी। ये मुझे लगता है कि जो शायद इंडस्ट्री से बाहर लोग हैं उनको शायद ये नजर आती हो लॉबी, लेकिन मैंने, मुझे नहीं, या शायद मैं ध्यान ही नहीं देता, होगी लॉबी। क्योंकि मैंने भी आमतौर पर देखा है, मतलब सुना भी है मगर देखा भी है, कि जैसे अगर एक सेवन स्काई है तो उनका जो एक्टर है वो देखा है, अगर उनके प्रोजेक्ट देखें आप आगे पीछे तो तकरीबन वो एक्टर मैच ही होंगे सारे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में एक्टर्स अभी कितने हैं? अगर आप लिस्ट बनाएं चैनल्स से, जितने चैनल्स हैं ना, उसके प्रोपोर्शन जो है ना एक्टर्स की कम है उसके हिसाब से। तो आपको तो यही चेहरे ही मिलने हैं, नए आ नहीं रहे। अगर आ रहे तो उनके अंदर पोटेंशियल की कमी है या कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमजोरी है। नहीं, हमारे यहाँ अब देखें टिकटॉक है, उस पर आपको बेशुमार लोग मिल रहे हैं, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, आप अगर टिकटॉक को अगर देखेंगे ना, तो आप क्या कहते हैं, मतलब टिकटॉकर जो है वो टिकटॉक, टिकटॉकर एक अलग किस्म की एंटरटेनमेंट है टिकटॉक। उसमें क्या है कि उसके अंदर वो एक, उसका क्या है कि वो इतनी सारी चीजों के अंदर से वो एक चीज सेलेक्ट करते हैं, जितना मैंने देखा है वो सेलेक्ट करते हैं जो उनको लगता है कि ये फनी होगा, उस परफॉर्म हुई हुई चीज के ऊपर वो रीपरफॉर्म कर रहे हैं। अब उसमें उनकी क्रिएटिविटी कहाँ है? उनकी क्रिएटिविटी सिर्फ इतनी है कि उन्होंने वो चीज सेलेक्ट की जो उनको, उनका एस्थेटिक अच्छा है, उनकी परख अच्छी है कि यार ये वाली बात जो है ना ज्यादा पॉपुलर होगी, इतनी ही और इस अंदाज से मैं करूंगा तो पॉपुलर हो जाएगी। इतनी कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। नहीं, उससे ज्यादा भी अगर वो करे तो उसकी भी, मतलब ये डिसेबिलिटी नहीं है, उसकी एबिलिटी है, ये हमारे अंदर नहीं है कि हम एक बनी हुई चीज को जितनी वो कामयाब है। अक्सर ऐसी चीज होती है जो इतनी पॉपुलर नहीं होती लेकिन टिकटॉक पे आती है, बोलती यार इस एंगल से तो बहुत मजे की लग रही है, तो वो एक नया एंगल देता है टिकटॉकर। तो टिकटॉकर की अपनी एक वैल्यू है, टिकटॉकर का अपना एक मुकाम है, वो उसकी भी रिस्पेक्ट है, डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं, सबके अपने। टिकटॉकर पे हमने देखा कि सब बहुत सारे, लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है? उसमें नुकसान ये होता है कि हमारे पास एक्टर और टैलेंट नहीं आता, कि हमें उसकी समझ नहीं आती। अक्सर ऐसा हुआ है कि हमने अप्रोच की है कि हो सकता है कि ये अच्छा एक्टर भी हो। चले एक छोटी ब्रेक ले, जी जी, आखिरी ब्रेक हमारी, इसके बाद फिर छुट्टी। Draw it.